सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो वायु व्लॉग्स। तो बहुत दिनों बाद मैं एक वापस वीडियो बना रहा हूँ अपने बाइक रिलेटेड। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीपीएस माउंट, और उसको मोबाइल होल्डर भी बोल सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बाइक में मोबाइल होल्डर सेटअप कैसा है। तो कुछ ऐसा सेटअप है मेरे अभी बाइक में। फिलहाल आप देख सकते हो ये जो हैंडल बार पर मैंने मोबाइल होल्डर लगा के रखा है, और यहाँ पर ये गोप्रो माउंट के लिए मैंने ये मोटो वॉल्व का, तो इन दोनों के रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बना के रखे। तो इन दोनों का जो वीडियो है वो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक आ जाएगा, आप वहाँ पे इंस्टॉलेशन वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं ये जो मोबाइल होल्डर है इनको मैं यहाँ से मूव करके फ्रंट पे, जैसे अपना जो एडवेंचर बाइक होता है वहाँ पे कैसे इनके फ्रंट पे होता है, तो वैसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। जैसे कि आपने एडवेंचर्स बाइक देखे होंगे, हिमालयन और KTM 390, तो उनमें जो GPS माउंट होता है वो फ्रंट पे होता है, ताकि आप जब राइड करते हो तो आपको सामने विजिबल होता है। फिलहाल जो अभी मेरे मोबाइल होल्डर जो मेरे बाइक में लगा है उसको देखने के लिए हमें बार बार ऐसे नीचे देखना होता है, और हेलमेट का जो चिन एरिया होता है उसके कारण कभी कभी मोबाइल में जो मैप्स है वो प्रॉपरली दिख भी नहीं पाता है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जो फ्रंट पे आगे यहाँ पे वो एरिया पे एक माउंट, काइंड ऑफ DIY माउंट करने का सोच रहा हूँ। तो GPS माउंट के लिए हमें एक रॉड लगेगा और साइड से पट्टी। तो फिलहाल जो मेरा ये आप वाइज़र देख सकते हो, ये है कार्बन रेसिंग की तरफ से, तो इसका ऑलरेडी साइड से जो पट्टी है, जो कंपनी के कार्बन रेसिंग के तरफ से ऑलरेडी पट्टी बना के आया था, तो उसी पट्टी पे हम फिट करके एक इसका DIY माउंट, GPS माउंट जैसा कुछ बनाएंगे। हमने ऑलरेडी जो इसका पट्टी और जो रॉड है वो ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन में हमने पट्टी बनाया, ये देख सकते हो ये पट्टी ऐसा है, यहाँ से थोड़ा बेंड है, तो ऐसा दो पट्टी बनाए हमने जो ऊपर से बेंड रहेगा, थोड़ा सा टिल्ट रहेगा, और उसको सपोर्टिंग इसको क्लैंप के लिए हम लोगों ने ये दो पट्टी बनाए। और ये है रॉड जो आप देख सकते हैं जिसमें हमारा माउंट बैठेगा, तो इसको देख सकते हैं, इसको हमने थोड़ा नर्लिंग भी किया है, तो थोड़ा एंगल से देखोगे तो दिखेगा, इसको हम लोगों ने थोड़ा नर्लिंग किया है, और यहाँ पे बुश डाल के हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रू माउंट के लिए यहाँ पे होल भी बना के रखा है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी है इसको बाइक में, ये जो देख सकते हो कार्बन रेसिंग का जो पट्टी है, इसके ऊपर हम लोग इसको यहाँ पे ऐसा फिट करेंगे ताकि ये यहाँ पे प्रॉपरली बैठ सके। तो फिलहाल अभी हम ये क्या करेंगे, ये जो रॉड है इसको ये पहले पट्टी पे लगाएंगे, फिर उसके बाद बाइक में लगाएंगे। तो ये रॉड को लगाने के लिए हम लोग ने कुछ बोल्ट्स और नट्स ला के रखे, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ये 8mm का बोल्ट है, तो इसको फटाफट हम ओपन कर लेते। ये देख सकते हो ये पट्टी के एक साइड पे हम बोल्ट लगाएंगे ऐसा। तो अभी एक साइड का तो हमने बोल्ट लगा दिया, अभी दूसरे साइड पे भी हम ये जो पट्टी है इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये 8mm का बोल्ट है, तो इसको यहाँ से हम लगा देंगे पहले। तो फिलहाल कुछ ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है, इसको अभी हम अपने बाइक पे माउंट करते। तो फिलहाल अभी इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, जो पट्टी हमने बनाया अंदर से, अभी हम वॉशर यूज़ नहीं करेंगे, पट्टी यूज़ करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। तो फिलहाल इसको अभी हम नट से लूज़ टाइट करेंगे। तो अभी जैसे देख सकते हो इसको मैंने जो एकदम लूज़ टाइट नहीं किया, मैंने इसको अभी फ़िलहाल लूज़ रखा है। इसके बाद अभी मैं यहाँ पे ये जो GoPro का माउंट है इसको भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ताकि यहाँ पे हमारा जो मोबाइल माउंट भी हो जाएगा और GoPro माउंट भी हो जाएगा। तो ये मोटो वॉल्व का मिरर माउंट है, तो इसको फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ऐसा कुछ फिट हो गया है, ये जो है मोटो वॉल्व का मिरर माउंट है। तो अभी हम इसके ऊपर एक काम करेंगे, अभी ये जो मोबाइल होल्डर है इसको हम यहाँ से निकाल के यहाँ पर लगाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम इसको आगे और पीछे करके फिर यहाँ पे टाइट फिटिंग कर देंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको निकालेंगे, तो ये इजीली रिमूव हो गया। तो फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पे माउंट करेंगे। तो इस पर जो हम लोग ने अभी नर्लिंग किया है उसके कारण ये जो इसका ग्रिप है थोड़ा टाइट हो जाता है, और इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे रखेंगे। फिलहाल अभी मैं इसको टाइट नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम मोबाइल लगा के चेक करेंगे कि मोबाइल सेंटर पर आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं इसको आगे लेफ़्ट राइट करके फिट कर दूँगा। यहाँ पे अगर हमें अपना मोबाइल चाहिए सामने, तो कुछ ऐसा हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर अभी मैं इसके हिसाब से नीचे से इसको फिटिंग कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको अभी हम टाइट कर लेंगे, 13 नंबर का ये पाना से अभी हम इसको फिट कर देंगे। तो ये जो माउंट है इसको अभी हम निकाल के यहाँ पे, यहाँ से निकाल के हम यहाँ पर लगा देंगे, ताकि हम जो GoPro लगाना चाहते हैं हम यहाँ पर GoPro लगा के फ्रंट फेस कर सकते हैं। फिलहाल ये जो GoPro है इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करके फिट कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे जैसा चाहिए, जो एंगल पे चाहिए वो एंगल पे हम मूव कर सकते हैं। इसको हम लूज़ करके
राइडर की तरफ को पोजीशन कर लेंगे जिससे राइडर भी दिखे। तो अगर इससे अगर राइडर दिख रहा है तो इसको ऐसे हम टाइट कर देंगे। और अगर आपको रील बनाना है, शॉर्ट्स बनाने हैं, तो ऐसे आप रील भी बना सकते हो। तो अभी जैसे मैं राइडर बैठा हूँ तो ऐसे मैं दिखूँगा, तो जिससे आप शॉर्ट्स भी बना सकते हो। आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपको फ्रंट पे चाहिए, तो आप इसको ऐसे फ्रंट पे भी लेके आ सकते हो। और अभी ये राइडर पोजीशन के हिसाब से आपको फ्रंट लुक कैसा आता है वो मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे अपना राइडर, तो ऐसा कुछ आपका व्यू आएगा। ये हैंडल रहेगा, सामने आपका जो कंसोल है। तो मैं आपको एक बार गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो अभी गाड़ी ऑन किया तो कंसोल है वो पूरा क्लियरली दिख रहा है, और ये जो मैप है ये सामने दिखता रहेगा। जो हमारा मीटर कंसोल है और जो हमारा मोबाइल है ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे, तो जो हमारा मीटर है वो प्रॉपरली दिख पाएगा, हमें गियर सब दिखेगा और साथ में हमें मैप भी दिखता रहेगा। और सामने जो हमारा गोप्रो है ये भी क्लियरली हमारा जो फुटेज है वो क्लियरली निकलता रहेगा। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये साइड में मैं लगा के रख दूंगा तो कैसा इसका व्यू आएगा। तो ये एक पूरा एडवेंचर लुक मैंने अपना बाइक को देने का ट्राई किया है। देख सकते हो मैं साइड से भी दिखा देता हूँ साइड से कैसा लुक आएगा। देख सकते हो ये पट्टी है, यह पट्टी, ये जो मेरा कार्बन रेसिंग का जो विंडस्क्रीन है इस पर लगा के रखा है मैंने। तो देख सकते हो पट्टी एकदम टाइट है। तो ये जो यहाँ पे अभी हम लोग ने जो माउंट लगा है, मोबाइल लगा है, इसको टाइट फिट करने के लिए तो ये जो रबर लगाया है पीछे ग्रिप, इसको यूज़ कर लेंगे अभी हम फिलहाल। ये थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए है फिलहाल, अभी ये ऐसे ही सेफ्टी है तो मोबाइल गिरेगा नहीं, मोबाइल का एक्स्ट्रा सेफ्टी रहेगा। अदरवाइज़ ये तो ग्रिप है, ये इसको होल्ड टाइट करके रखा है, प्लस साइड में हम लोग ने रबर का भी जो ग्रिप है ये लगा के रखा है। और इसके अब तो फिलहाल अभी जो ओपन मोबाइल होल्डर है जो नॉन मानसून सीज़न में काम आएगा, मानसून सीज़न के लिए जो मैंने बोबो का जो वाटरप्रूफ है वो मंगा के रखा है, तो वो जब आएगा तब मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। फिलहाल यही सेटअप के साथ हम एक राइड करके आएंगे, फिर आपको दिखाऊँगा कि ये सेटअप के साथ हमारा जो GPS माउंटेड मोबाइल होल्डर कितना स्टेबल रहता है, तो वो अभी हम चेक करेंगे मोटो व्लॉगिंग में। अभी हम राइड पे आ गए, जैसे कि आपने वीडियो देखा ये राइड पे हम लोग वाटरप्रूफ के लिए थोड़ा कवर लगा के रखा था, तो इसको निकाल देंगे। और फिलहाल ये जो है अभी हम जब भी राइड पे जाएंगे तभी हमको ज़रूरत है, तो फिलहाल इसको निकाल देंगे। तो इसको निकाल के अभी हम साइड पे रख देंगे। और सिमिलरली ये जो मोबाइल है इसको भी हम निकाल देंगे। तो फिलहाल जब भी राइड के बाद आएंगे तब कुछ ऐसा सेटअप दिखने वाला है, ये हमेशा इधर ही रहेगा ताकि हम जो GoPro माउंट है वो यहाँ पे लगा सके। तो फिलहाल देखा आपने, जैसा मेरा आपने वीडियो में देखा कितना स्ट्रांग एंड स्टर्डी है, तो ये ऐसा फिट रहेगा हमेशा के लिए और कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ये यहाँ पे हैंडल पे। तो अगर आपने मेरा कार्बन रेसिंग का वीडियो देखा रहेगा, कार्बन रेसिंग विंडशील्ड का, तो आपने देखा रहेगा ये पट्टी मैंने कैसे इसके हैंडल पे लगाया है, तो जो इसको ग्रिप है प्रॉपरली हैंडल पे मिल रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये DIY जो GPS माउंट मैंने RS के लिए बनाया अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी सिर्फ 200 सब्सक्राइबर बाकी है 1000 सब्सक्राइबर के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके आप शेयर करिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए और
अपने फ्रेंड्स लोग जो CB350 RS का मॉडिफिकेशन के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनसे आप शेयर करिए, और इसके रिलेटेड आपको कोई भी कुछ कमेंट रहेगा तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो ये पूरा जो पट्टी है पूरा ऐसे MS मटेरियल का है, इसको पाउडर कोटिंग किया है, और ये सब तो पहले ही आपने वीडियोस देख लिए। तो अभी जो अपकमिंग वीडियोस होगा वो मोबाइल होल्डर के ऊपर होगा, जो कि बोबो का वाटरप्रूफ आता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और फॉर टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैप्पी मॉनसून।